Nishane Imtiaz, the highest honor given to any civilian in Pakistan based on their achievements towards world recognition for Pakistan or an outstanding service for the country, has been conferred upon our respected chairman, Mr. Sadruddin Hashwani. A patriot committed to putting Pakistan on the map of the world. Assalamu alaikum, ek aur nayi video ke saath main hu Fahim. और आप सुन रहे हैं 50 बातें काम की एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 25। उबलता खून नस में कामी शाबी मेरे वश में जिंदगी के इस सफर में मैं अकेला चलता जाऊंगा क्या रास कामयाबी का जो मंत्र तुमको जपना है सीखूंगा खुद भी तुमको रैप में सिखाऊंगा मैं गीत गुनगुनाऊंगा भागता ही जाऊंगा तो साथ चलो तुम भी तुमको सपने में दिखाऊंगा आसमान टच करेंगे सपने सारे सच करेंगे गेम ना खेले छोटा बातें तू मच करेंगे आओ तुम भी सोचो जिंदगी में क्या करना है बन के आम आदमी रिटायर होके मरना है इंटरनेट पे होगा नाम दिन रात करेंगे काम करते करते बीत जाए दिन हो चाहे शाम। ये स्टोरी है सदरुद्दीन हाशवानी की। ये शख्स पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों की फरिश्त में छठे नंबर पे आते हैं। सदरुद्दीन हाशवानी की कामयाबी की कहानी और अचीवमेंट्स की कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मुख्तसर करके सारी कहानी शेयर करता हूँ। सदरुद्दीन हाशवानी बेसिकली कराची से बिलोंग करते हैं। इसके वालिद कपास का कारोबार करते थे। इसके वालिद की वफात के बाद इनके घरेलू और माशी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। सदरुद्दीन हाशवानी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। सदरुद्दीन हाशवानी को भी अपने वालिद की तरह कारोबार का शौक़ था। कहा जाता है कि जिसमें जोश और जुनून हो उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो सदरुद्दीन हाशवानी ने भी इसी जोश और जुनून को लेके भी एक अपना कारोबार शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में उन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया और इसके बाद उन्होंने अपने जानने वालों के पास गए जिनके अपने गंदम और चावल के गोदाम थे। सदरुद्दीन हाशवानी और इनके दरमियान एक मुआहदा तय पाया। उस मुआहदे के मुताबिक सदरुद्दीन हाशवानी इनसे गंदम और चावल लेंगे और उनको डिफरेंट इलाकों में जाके सेल करेंगे। सदरुद्दीन हाशवानी ने कुछ ऐसा ही किया, उनसे गंदम और चावल उठाते और दूसरे इलाकों में जाकर सेल करते। ज़्यादातर सदरुद्दीन हाशवानी ने बलूचिस्तान के इलाकों में गंदम का कारोबार शुरू कर दिया। सदरुद्दीन हाशवानी वहाँ गंदम को और चावल को सेल करते और वहाँ से मुनाफा खुद रख देते और बाकी मतलूबा रकम उन गोदाम वालों को दे देते। इस कामयाब बिजनेस के बाद सदरुद्दीन हाशवानी ने कपास का कारोबार भी शुरू कर दिया और इसके कपास के कारोबार को भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली। गंदम चावल और कपास के कारोबार के बाद सदरुद्दीन हाशवानी होटलिंग में आ गए। उन्होंने अपना पहला होटल इस्लामाबाद में ओपन किया। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा बड़ा होटल कराची में ओपन किया। इसके बाद सदरुद्दीन हाशवानी ने पूरे मुल्क पाकिस्तान में अपनी होटल मैनेजमेंट शुरू कर दी। सदरुद्दीन हाशवानी इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े फाइव स्टार होटलों के मालिक हैं। सदरुद्दीन हाशवानी के होटल्स पाकिस्तान के अलावा दुबई और इंग्लैंड में भी मौजूद हैं। ये सब कुछ अचीव करने के लिए सदरुद्दीन हाशवानी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ी है। एक अंदाजे के मुताबिक सदरुद्दीन हाशवानी 95 बिलियन असासा जात हैं, मतलब पाकिस्तानी हिसाब से उनके पास 95 अरब रुपया है और इसके साथ ये पाकिस्तान के छठे नंबर पर अमीर तरीन लोगों की सरफरिस्त में शामिल हैं। तो यही थी आज की वीडियो। इसके साथ FKB मोटिवेशन, यस यू कैन। अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।